5 ग्राम कसूरी मेथी इसमें डाली है। ये सारी इसका मेजरमेंट है। तो जब ये इसका ये सब्जी हमारी फाइनल हो चुकी है 100 ग्राम पानी डलेगा। और ये देख लो, ये देख लो, इस तरीके से आपको रखना है, ऐसे पतला पतला रखना है बिल्कुल। तो ये देखो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, 3 से 4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम इसको पकते हुए। तो ये सब्जियां जो हम स्प्रिंग रोल के लिए यूज़ करने वाले हैं, बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स हैं, दिख नहीं रही होगी क्योंकि बहुत ही फाइन चॉपिंग इसकी करी हुई है। और आपको भी ऐसी बिल्कुल चॉपिंग देख लो किस तरीके से बहुत ही बारीक करी हुई है, इस तरीके से आपको करनी है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पे स्प्रिंग रोल का हम जो सब्जियाँ थी वो भूनने जा रहे हैं। तो उसके लिए भैया ने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल, और ये डाला है भैया ने इसमें क्या, भैया ये अजवाइन, अजवाइन कितना डालेंगे भैया, 10 ग्राम भैया ने इसमें अजवाइन डाली है। और ये जो चीज़ बन रही है इसमें आपको आँच जो है मीडियम ही रखनी है, मीडियम आँच में पकेगा ये सारा। और अब इसमें ये सब्जियाँ डाल रहे हैं, सब्जियाँ मैंने आपको बता दिया था क्या क्या सब्जियाँ हैं, कटिंग किस तरीके से रखना है, एकदम फाइन चॉप करा हुआ है बारीक तरीके से। और सब्जियाँ आपको जितना बनाना होगा उस हिसाब से ही लेना, हम तो 20-20 पीस बनवा रहे हैं तो इसलिए हमने इतनी ये देख क्वांटिटी देख लो सब्जी की। ये अब इसको भूनेंगे, और कितनी देर तक भूनना है भैया इसको, तो 10 मिनट तक आपको इसको मीडियम आँच में भूनना है। तो 2 मिनट इसको भूनने के बाद भैया ने इसमें डाल दिया है प्याज, प्याज देख लो किस तरीके से काटा हुआ है, ये इस तरीके से प्याज आपको काटना है और इसको फिर ऐसे तोड़ तोड़ के डालना है। तो इसको भी आप भूनने देते हैं, और जब इसमें भैया मसाले डालेंगे वो मसाले मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या मसाले इसमें डाल रहे हैं। तो अब भैया इसमें डाल रहे हैं नमक, 10 ग्राम नमक डाल रहे हैं भैया इसमें, ये देख लो 10 ग्राम नमक डाला है। और कुछ मसाले डालते हैं तो वो देखते हैं। और ये है अजीनोमोटो, काफ़ी लोगों को यार प्रॉब्लम होती है अजीनोमोटो से, ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हो। और अजीनोमोटो कितना डाला है भैया, 10 ग्राम ही अजीनोमोटो डाला था। और ये है काली मिर्च का पाउडर, ये भी 10 ग्राम है भैया, 5 ग्राम कितना, 5 ग्राम 5 ग्राम भैया ने काली मिर्च पाउडर डाला है इसमें, 5 ग्राम भैया ने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। और ये है चिल्ली सॉस, ये कितना जाएगा भैया, 50 ग्राम भैया ने इसमें डाला है चिली सॉस। और हल्दी कितना डालेंगे भैया, और 50 ग्राम ही भैया ने इसमें, ठीक है मैं वही कह रहा 50 ग्राम लग नहीं रहे। और 5 ग्राम भैया ने इसमें डाला है हल्दी, मसाले काफ़ी सारे पड़ रहे हैं भाई घर में, तो हम क्या करते हैं नमक और मिर्च मिला के बस बना देते हैं। लेकिन ये देख लो ये सीक्रेट रेसिपी है किस तरीके से, कसूरी मेथी ये डालिए भैया ने इसमें, कसूरी मेथी 5 ग्राम कसूरी मेथी इसमें डालिए, ये देख लो। अब इसके बाद भी डलेगा भैया कुछ, तो लो जी आपके सारे मसाले हो चुके हैं, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे इसमें, लाल मिर्च ये भी 10 ग्राम डालेंगे लाल मिर्च, ये देख लो। अब इन सबको अच्छे से पका देंगे, 10 मिनट में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा स्प्रिंग रोल के लिए, ये देख लो। इस तरीके से आपको इसको पकाना है, अच्छे से सारे मसाले मिलाने हैं, उसके बाद देखेंगे जब स्प्रिंग रोल के रोल बनाएंगे ना वो किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए इसको पकने देते हैं, जब ये 10 मिनट इसको भून लेंगे पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। लो जी हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है जो हम स्प्रिंग रोल के लिए बनाने वाले हैं। और आपको मैं बता दूँ ये सारी वेजीज मिला के 1 किलो होंगी, ये सारी इसका मेजरमेंट है। तो जब ये इसका ये सब्जी हमारी फाइनल हो चुकी है, जब ये मैदे का डो लगाएंगे तो देखते हैं वो किस तरीके से बनाना है। तो भाई अब यहाँ पे बनने जा रहा है स्प्रिंग रोल का पारा, जो रोटी जैसी जिससे हम बनाएंगे जो उसका रोल होगा वो बनने जा रहा है। तो यहाँ पे भैया क्या क्या लिया आपने बताओगे एक बार, 250 ग्राम अरारोट है और 250 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे भैया ने 250 ग्राम अरारोट लिया है और 250 ग्राम मैदा ही लिया है, दोनों इक्वल क्वान्टिटी में लिया है। और इसमें नमक वगैरह कुछ तो नहीं डाला भैया, और इसको गूंदना है अब, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं इसका कैसे बनाएंगे, कितना कितना थिकनेस होगी, कितना पतला कितना गाढ़ा कितना होगा, ये वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। ये देख लो आप, इसको बहुत ही पतला सा रखना है बिल्कुल ही, ज़्यादा इसका थिकनेस इसमें होगी नहीं, ये देखो, तभी इसकी अच्छे से जो रोल होते हैं ना रोटियां वगैरह कह लो रोल होंगे वो अच्छे से बन पाएंगे।
ये देख लो किस तरीके से आपको इसको फेंटना है, ये है। तो चलो भैया को अब करने देते हैं, ये जब ये बनके रेडी हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपको फेंटना है, ये देख लो किस तरीके से भैया इसको फेंट रहे हैं अच्छे से। तो फेंटने देते हैं कि ये बोना रहे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, जो गाठे होती हैं वो नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। ये देख लो किस तरीके से एकदम पानी पानी हो चुका है ये। इस तरीके से आपको इसको फेंटना है अच्छे से। लगभग भैया कितना पानी डलेगा, जैसे आधा किलो है ये, आधा एक पाव मैदा है और एक पाव अरारूट है, तो कितना पानी इसमें डलेगा? 400 ग्राम पानी डलेगा, 400 ग्राम पानी डलेगा। और ये देख लो, ये देख लो इस तरीके से आपको रखना है, ऐसे पतला पतला रखना है, बिल्कुल पानी की ही तरह रखना है। ये देख लो कितना पतला ये हो गया है। तो हो चुका है भैया ये डन? तो भाई ये हो चुका है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गांठे या इसमें लम्स ना बने। इस तरीके से आपको फेंटना है। एक बार दोबारा बता दूं, 250 ग्राम मैदा है, 250 ग्राम अरारोट है, उसमें 400 ग्राम पानी डाला है। तो चलिए हो गया, अब देखते हैं इसको आगे कैसे बनाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना। तो भाई यहाँ पे स्प्रिंग रोल की जो रोटी होती है, रोल होता है, वो लगना स्टार्ट हो रहा है। तो ये देख लो भैया ने यहाँ पे लिया है, ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है ना भैया? लोहे के में बन जाएगा भैया ये? नहीं, लोहे के में नहीं बनेगा, आपको नॉन स्टिक ही लेना पड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, जो हमने ये बनाया था इसका बैटर बनाया था मैदे और अरारोट का, और किस तरीके से डालना है ये देख लो। ये देख लो इस तरीके से डालना है, पतला भी आपको ऐसे ही रखना है। ये देख लो, ये डाल के भैया ने वापस पलट दिया जितना भी एक्स्ट्रा था वो। अब इसको दोबारा, और भैया आँच कैसी रखनी है इसमें भी? मीडियम रखनी है, मीडियम आँच आपको रखनी है। और तवा जो गर्म होना चाहिए भैया पहले से, हल्का मीडियम आपका तवा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये रोटी जो है बहुत ही ज़्यादा पतली है, जल जाएगी अगर आप ज़्यादा गर्म रखोगे तो। और फिर से 1 से 2 मिनट लगेंगे भैया पकने में, तो 2 मिनट में आपका ये बनके रेडी हो जाएगा। किस तरीके से इसको पकाना है देख लो, और पलटना किस तरीके से है वो भी देख लो। दोनों तरफ से इसे नहीं पकाना है, एक ही साइड से पक जाएगा वही काफ़ी है, क्योंकि बाद में ये फ्राई भी होता है, इसको हाफ डन रखना होता है। ये देख लो, जब भी इसको पलटेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब ये भैया ने ये देखो, ये हमारी रोटी बनके रेडी हो चुकी है, ये रोल लग रहे हैं। ये देख लो एक बार दोबारा, ये वाला देख लो किस तरीके से आपको रखना है। जो आपका नॉन स्टिक फ्राई पैन होगा मीडियम गर्म रखना है, उसके ऊपर ऐसे डाल देना है, फैलाना है, और फिर वापस पलट देना है, जितना भी वो फालतू होगा एक्स्ट्रा होगा वो वापस पलट देना है। और फिर लगभग 2 मिनट तक आपको इसी के ऊपर पकाना है उसको, 2 मिनट में वो बनके रेडी हो जाएगा, और फिर उसको पलट देना है। तो ये देखो, ये हमारा रोल अपने आप फुलकर ऊपर आ रहा है, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। आपका भी जब ऐसे अपने आप ही फुलकर ऊपर आने लग जाएगा तो समझ जाना वो बन चुका है, और फिर उसको पलट देना किसी बड़े बर्तन में। ये देखो अब भैया इसको पलट देंगे, ये देखो पलट दिया है बिल्कुल ही। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसके ऊपर आपको। फिर भैया अरारोट है ये, ये देख लो किस तरीके से आपको अरारोट छिड़कना है इसके ऊपर। इस तरीके से आपको ऐसे चुटकी भर, देख लो कितनी क्वांटिटी है ये, ऐसे अरारोट छिड़कना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये देख लो, जैसे आपने इसका ये रोल बना दिया, उसके ऊपर छिड़कना है अरारोट, और फिर इस तरीके से पानी पानी लगाना है आपको इस तरीके से। ये देख लो चारों तरफ आपको उसके पानी लगाना है। और फिर जो हमने यहाँ पे ये सब्जी बना रखी थी, सब्जी आपने देख लिया था कैसे बनानी है, और उसके फिर फिलिंग करनी है इस तरीके से। ये देख लो, और फिर उसे रोल कर देंगे। रोल करने का स्टाइल देख लो, दोबारा पानी लगा रहे हैं भैया ऊपर फोल्ड करने के बाद। और ये, और इसको टाइट रखना, भैया कह रहे हैं जब आप फोल्ड करोगे ना तो उसको थोड़ा टाइट रखना। जो आपको ये बाकी भी दिख रहे होंगे, लूज लूज नहीं दिख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं ये, तो इस तरीके से आपको टाइट रखना है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ जब ये रोल करेंगे, जिस तरीके से भैया आप रोल करेंगे तो देख लेना एक बार दोबारा। ये देख लो किस तरीके से ऐसे टाइट टाइट आपको उसको रोल करना है, टाइट तरीके से। तो चलो इनको करने देते हैं रोल। रोल करना आपने देख लिया किस तरीके से करना है, अब तक का स्टेप आपने देख लिया। तो चलो अब जब ये फ्राई करेंगे इसको, तब देखेंगे किस तरीके से फ्राई कर रहे हैं, तेल कितना गर्म रखना है, कितनी देर में वो रेडी हो जाएगा।
तो भाई अब स्टार्ट हो रहा है स्प्रिंग रोल को फ्राई करना। आपने देख लिया था ये इसका बाहर का रोल कैसे बनाना है, उसके अंदर हमने जो स्टफिंग करी है वो कैसे रेडी करनी है। तो अब इसको फ्राई कर रहे हैं। आँच मीडियम ही रखनी है भैया, इसमें आँच आपको मीडियम रखनी है और तेल खोलता हुआ रखना है, जैसे हम घर में पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना उतना गर्म आपको तेल रखना है और आँच मीडियम रखनी है। और भैया कितनी देर में रेडी हो जाएगा ये फ्राई होके? तो 2 से 3 मिनट में पक के ये रेडी हो जाएगा। वैसे आपको घर में खुद ही पता चल जाएगा, जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उसका मतलब वो डन हो चुका है। एक बार फिर भी मैं आपको कलर दिखा दूंगा इसका। तो 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देते हैं और ये देख लो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देते हैं, जब भैया इसको बाहर निकालेंगे तब मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगा, कलर कैसा आया है इसका, आप भी फिर वैसा ही रखना। तो ये देखो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, 3 से 4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम इसको पकते हुए। और ये देख लो इनका कलर, देख लो इनकी शक्ल देख लो एक बार, इस तरीके से आपको इसका कलर रखना है। मैक्सिमम 4 मिनट में ये पककर आपको निकाल देना है जब इनका कलर ऐसा हो जाएगा।